हेलो गाइस, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट थ्री सीन वन का लाइन बाय लाइन पैराफ्रेज। तो चलिए हम जल्दी से ये वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, हम आ गए हमारे फर्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप फोकस करो इसके वेन्यू पर, ये कहाँ होता है। ये वेनिस की एक स्ट्रीट में होता है। हम देखते हैं कि सैलानियो और सलारनो, जो कि एंटोनियो के फ्रेंड्स थे, वो खड़े होकर बात कर रहे थे। सो मेनली वो किस बारे में बात कर रहे थे? वो बात कर रहे थे एंटोनियो के शिप के बारे में। जो हाल फिलहाल में न्यूज आई थी कि एंटोनियो का शिप रैक हो गया है, वो मेनली इस बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो सलानियो पूछता है सलारनो से कि सीरियालियो से क्या न्यूज आई है। तो सलारनो बोलता है कि मुझे एक खबर मिली है, लेकिन ये खबर फुली चेक नहीं है, मतलब इसके बारे में कंफर्म न्यूज नहीं है। ये बात पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है कि एंटोनियो का शिप रेक हुआ है या नहीं, बट ये पता चला है कि एंटोनियो का एक रिचली लेडन शिप गुडविंस नाम के सैंड बैंक में, जो कि इंग्लिश चैनल में प्रेजेंट है, इंग्लिश चैनल जो कि सैंड बैंक में है, राइट, गुडविन सैंड बैंक कहाँ है, इंग्लिश चैनल में प्रेजेंट है, राइट। सो वहां पर एंटोनियो का एक शिप रख पाया गया है और लोग कहते हैं कि वो बहुत खतरनाक जगह है, राइट। और वहां पे बहुत सारे शिपरेक्स पहले हो चुके हैं और शिप्स के जो ढांचे होते हैं, राइट, जो स्केलेटन, स्केलेटन इंसान के स्केलेटन नहीं बट ढांचा या फिर रिमेन्स, शिप के रिमेन्स वहां पे पाए गए हैं, बरड है, राइट। अब इसके अलावा वो क्या कहता है, वो कहता है ये जो न्यूज है ये बिल्कुल गॉसिप की तरह है, वुमेन का गॉसिप की तरह। अब ये न्यूज सही है या गलत, इसके बारे में वो कंफर्म नहीं है। इसके बाद सलानियो क्या बोलता है देखते हैं। वो बोलता है कि मैं बस ये प्रे करता हूँ कि ये न्यूज बिल्कुल गॉसिप की तरह हो। एग्जैक्टली किस तरीके से वो बोलता है मैं आपको समझाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड गाइस। देखिए यहाँ पे मेनली हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एक वुमन का, ये ओल्ड वुमन है, राइट। यहाँ पे वो एग्जाम्पल देता है क्या कि एक ओल्ड वुमन है, एक ओल्ड वुमन का तीन शादी हुआ था, ठीक है। सपोज यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे उसके तीन हस्बैंड थे, एक हस्बैंड मर गया, फिर सेकेंड भी मर गया, और तीसरा जब हस्बैंड मर रहा था तो वो बिकॉज शी वॉज यूज टू दिस, राइट, वो इस चीज से यूज हो गई थी, डेथ से यूज हो गई थी, तो डेफिनेटली उसको उतना ज्यादा कुछ पेन नहीं होगा, उतना ज्यादा कुछ सैडनेस नहीं होगा। सो वो अपने नेबर्स के सामने क्या करती है, नेबर्स के सामने वो जिंजर च्यू करते हुए शो ऑफ करती है कि वो बहुत ज्यादा सैड है। तो एग्जैक्टली वो ये कहना चाहता है कि मैं बस ये प्रे करता हूँ कि एंटोनियो का जो न्यूज आया, एंटोनियो के बारे में जो शिपरेक का न्यूज आया, वो भी काश बिल्कुल झूठा हो, जैसे कि इसके आंसू या फिर इसके गॉसिप है, राइट। फिर वो बोलता है मैं सिंपल से भाषा में अगर कहूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि एंटोनियो का शिप रेक हो चुका है। यहाँ पे वो कंप्लीट करता अपने बात को कि एंटोनियो ने अपना शिप रेक, एंटोनियो का ने अपना शिप खो दिया, उसका शिप रेक हो गया है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इसके बाद सलारनो क्या बोलता है, वो बोलता है कि काश इसके बाद एंटोनियो के और कुछ भी लॉसेस ना हो, यानी कि इसके बाद उसको और किसी भी तरीके का लॉस का सामना ना करना पड़े, मिसफॉर्च्यून्स का सामना ना करना पड़े। तो सलानियो बोलता है कि मैं आमेन कह देता हूँ ताकि डेविल हमारे प्रेयर को खराब ना कर सके। अब यहाँ पे डेविल कौन था, डेविल से वो शाइलोक को इंडिकेट करता है, बिकॉज डेविल शाइलोक के रूप में या फिर जीव के रूप में आया था। फिर वो शाइलोक को बोलता है कि शाइलोक मर्चेंट्स से तुम्हें क्या न्यूज मिला है। फिर शाइलोक बोलता है कि तुम्हें तुम्हें पता है, तुम्हें मेरी डॉटर के बारे में सबसे अच्छे से पता है, तुम्हारे अलावा और किसी को भी मेरे डॉटर के बारे में इतना अच्छे से नहीं पता है। फिर सलारनो बोलता है हाँ मुझे मुझे तो बहुत अच्छे से पता है, मुझे ये भी पता है कि जिस टेलर ने तुम्हारी डॉटर के लिए, तुम्हारी बेटी के लिए विंग्स सील कर दिए है, मुझे उसका भी नाम पता है, मैं उसके बारे में भी जानता हूँ। यहाँ पे वो शाइलोक की बात का मजाक उड़ाते हुए वो ये लाइन बोलता है, राइट, वो मॉक करता है कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे तो उस टेलर का भी नाम पता है जिसने तुम्हारी बेटी के लिए विंग्स बनाए, जिसे वो पहनकर उड़ गई, राइट। इसके बाद सलानियो बोलता है शाइलोक, इसके बाद वो क्या बोलता है, वो शाइलोक को कहता है कि शाइलोक जो बर्ड्स होता है ना, तुम्हारी डॉटर बिल्कुल बर्ड्स की तरह, मतलब तुम्हारी डॉटर बिल्कुल एक यंग बर्ड की तरह है। अब बर्ड का नेचर क्या होता है, उड़ना, फ्रीडम, राइट। अब तुम अपनी बेटी को कैद करके कितने दिन रखोगे, कभी ना कभी तो उसको बाहर आना ही है, ये उसका नेचर है। Is that clear? I think ये चीज अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद शाइलोक बोलता है कि और इसके लिए शी इज डैम्ड, राइट, शी इज कर्स्ड फॉर दिस, उसने बहुत बड़ा सिन किया है। इसके बाद सलानियो बोलता है कि अगर तुम्हारे जैसा इंसान उसे जज करे तो डेफिनेटली शी विल बी कर्स्ड फॉर दैट। इसके बाद शाइलोक क्या बोलता है, इसके बाद शाइलोक बोलता है कि मेरा खुद का खून, यानी कि मेरी खुद की बेटी ने मुझे धोखा दिया, शी वेंट अगेंस्ट मी, राइट। तो सलानियो बोलता है ये जो लाइन है ना, ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है तो हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलराइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इसके बाद भी जो ये फर्स्ट लाइन है
ये भी आपके बुक में मेंशन नहीं है, सो आई एम रिमूविंग दिस. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके बाद सलारेनो क्या कहता है, सलारेनो डिफरेंस बताता है. जो शायलॉक ने कहा ना कि मेरा खुद का खून और मेरा खुद का फ्लैश ने मेरे अगेंस्ट रिबेल किया या फिर मेरे खिलाफ खड़ी रही, सो वो डिफरेंस बताता है कि शायलॉक और उसकी बेटी के फ्लैश में कितना डिफरेंस है. जस्ट लाइक जेट और आइवरी, जेट और आइवरी क्या होता है, जेट डार्क कलर लाइक आई मीन ब्लैक कलर, ऑन द अदर हैंड आइवरी कौन सा कलर होता है, व्हाइट कलर. ओके ब्यूटीफुल होता है, ब्यूटीफुल कलर. सो ये दोनों के बीच में डिफरेंस बताता है कि तुम जेट हो और जेसिका को आना जेसिका आइवरी की तरह, तुम दोनों के फ्लैश में इस कलर का डिफरेंस है और तुम दोनों के ब्लड में एग्जैक्टली उतना ही डिफरेंस है जितना रेड वाइन और रेनिश में होता है. रेड वाइन एक लोकल सस्ता सा वाइन होता है, ऑन द अदर हैंड रेनिश वाइन व्हाइट जर्मन वाइन होता है, एक बहुत एक्सपेंसिव वाइन होता है. इसके अलावा वो कहता है कि अच्छा ये बात छोड़ो, मुझे ये बताओ कि एंटोनियो के बारे में तुम्हें कोई न्यूज पता चली है या नहीं. तो फिर शायलॉक क्या बोलता है, मेरे मेरे लक में मतलब मेरा तो नसीब ही फूटा है, पहले जेसिका और फिर ये बैड मैच मींस दिस बैड लक. ओके दिस एंटोनियो जो कि एक बैंकरप्ट निकला, एक प्रोडिगल, वन हु लेंड्स आउट मनी एक्स्ट्रावेगेंटली बिना सोचे समझे, मतलब का पैसा वेस्ट करना. अब वो अपने अपना फेस भी नहीं दिखा पाएगा रियालिटो में, ठीक है, वो अब उसके पास हिम्मत ही नहीं होगा कि वो रियालिटो में आकर अपना फेस दिखा सके. नाउ ही इज अ बेगर, वो पहले आता था रियालिटो में एंड वो बहुत ज्यादा शो ऑफ करता था, मेरी इंसल्ट करता था. अब उसको अपने बॉन्ड के बारे में सोचने दो, लेट हिम थिंक अबाउट हिज बॉन्ड. ओके सो वो शायलॉक को अशरर, अशरर मीन्स वन हु लेंड्स आउट मनी, वन हु लेंड्स आउट मनी एट हाई इंटरेस्ट. सो मेनली शायलॉक क्या करता था कि वो लोगों को लोन देता था लेकिन वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता था. तो वो शायलॉक को जो एंटोनियो है वो उसको अशरर बुलाता था. सो शायलॉक बोलता है कि उसको अपने बॉन्ड के बारे में सोचना, तो वो क्रिश्चियन कर्च या फिर क्रिश्चियन चैरिटी के लिए वो लोगों को लोन बांटते फिरता था, अब उसको अपने बॉन्ड के बारे में सोचने दो. इसके बाद सलारिनो क्या बोलते हैं, इसके बाद सलारिनो कहता है वाई आई एम श्योर इफ ही फॉरफिट दाउ विल नॉट टेक हिज फ्लैश व्हाट्स दैट गुड फॉर. फिर वो बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ कि अगर वो अपना बॉन्ड का जो रिपेमेंट उसे करना था वो अगर रिपेमेंट नहीं कर पाता तो आई एम श्योर कि तुम उससे फ्लैश नहीं लोगे बिकॉज वो तुम्हारे कोई काम का नहीं है. फिर शायलॉक क्या बोलता है, ये पूरा एक्सट्रैक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, बनते आए हैं और बनते रहेंगे, राइट. सो वो क्या बोलता है, टू फिश टू बेट फिश बतौल, यानी कि ये मेरे लिए तरीका है, ये जो मुझे जो चांस मिला है एंटोनियो से बदला लेने का, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा. अगर एंटोनियो का फ्लैश लेके मैं क्या करूंगा, मैं अपना बदला लूंगा, मैं अपना रिवेंज लूंगा एंटोनियो से. ऑल राइट उसके बाद वो बोलता है कि उसने मुझे बहुत बार इंसल्ट किया, ही डिसग्रेस्ड मी, ओके हिंडर्ड मी फ्रॉम हाफ अ मिलियन. वो यूजुअली मुझे इंसल्ट करता था, लाफ्ड एट माय लॉसेस, मेरे जो भी मैं लॉस मुझे जो लॉसेस होते थे उस पर वो हंसता था, मॉक्ड एट माय गेन्स, मैं जो भी हासिल करता था, मैं जो भी मेरा प्रॉफिट होता था राइट, उस प्रॉफिट पे भी वो हंसता था, उसका मजाक उड़ाता था, मतलब कहता था कि मैंने गलत तरीके से इन सारी चीजों को हासिल किया है. ऑल राइट scorned my nations, thwarted my bargains, यानी कि उसने मेरे नेशन तक को slang, I mean curse, मेरे नेशन तक को curse किया, मेरे bargains, मेरे जो मैं जो interest लेता था उसे भी गलत सलत कहा. apart from this, उसने मेरे friends को मेरे तरफ भड़काया. all right, उसने मेरे friends तक को मेरे तरफ I mean मेरे खिलाफ भड़काया. एंड देन ही हेटेड माई एनिमीज, मेरे एनिमीज को भी मेरे से आई मीन बहुत ज्यादा मेरे तरफ ही प्रोवोक्ड है. ओके एंड उसके रीजन क्या थे, ये सब वो क्यों करता था, दिस इज ऑल बिकॉज आई एम अ जीव, मैं जीव हूँ इसीलिए वो ऐसा करता था. क्या जीव के पास आंख नहीं है, क्या जीव के पास हैंड्स नहीं है, ऑर्गन्स नहीं है, डायमेंशन नहीं है, सेंसेस नहीं है, अफेक्शन नहीं है, फिर पैशन नहीं है, क्या हम भी उन्हीं की तरह सेम खाना नहीं खाते, सेम तरीके से हमें भी चोट नहीं लगती, क्या हम भी सेम बीमारियों से सफर नहीं करते, हमें भी सेम दवाइयां से, मतलब सेम दवाइयों से हम भी ठीक नहीं होते, क्या हम मतलब हम उनकी तरह है या फिर नहीं है, हम भी तो उन्हीं की तरह एग्जैक्टली है, वार्म्ड एंड कूल, मतलब कि हम सेम विंटर और समर, जैसे वो जिस विंटर और समर को फील करते हैं हम भी वही विंटर और समर को फील करते हैं राइट. एंड जिस तरीके से क्रिश्चियन फील करता है, अगर तुम हमें प्रिक करोगे तो क्या हमारे बॉडी से खून नहीं निकलेगी, ऑन द अदर हैंड अगर तुम हमें गुदगुदी करोगे राइट, टिकल मींस गुदगुदी करना, सो क्या हम हंसेंगे नहीं, अगर तुम मुझे पॉइजन दोगे तो क्या मैं मरूंगा नहीं, अगर तुम मेरे साथ गलत करोगे तो क्या मैं रिवेंज भी ना लूं. ओके इसके बाद वो क्या बोलता है, अगर हम सारे चीजों में तुम्हारी तरह है तो फिर हम
तुम्हें हर चीज में रिसेंबल करेंगे राइट, हम तुमसे रिवेंज भी लेंगे, जैसे तुम हमारे से रिवेंज लेते हो, अगर हम तुम्हारे साथ कुछ गलत करते हो तो डेफिनेटली तुम हमसे बदला लेते हो, लेकिन जब हम तुम्हारे जब तुम हमारे साथ कुछ गलत करो, ऑल राइट, जब तुमने हमारे साथ गलत किया तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें भी तो रिवेंज लेना चाहिए, हमने तो आखिर तुमसे यही सीखा है राइट, तुमने जो एग्जाम्पल हमारे सामने सेट किया है हमने तो उससे यही सीखा है कि हमें भी रिवेंज लेना चाहिए, ऑल राइट. सो वो क्या बोलता है कि तुम जो विलेनी नेचर राइट, जो तुम हमें नेचर अपना जो कैरेक्टर दिखाते हो उससे हमने क्या सीखा, हमने जो भी सीखा आखिर रिवेंज लेना सीखा, तो डेफिनेटली हम जो भी तुमसे सीख रहे हैं हम भी उसे एग्जीक्यूट करेंगे राइट. ये मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा जो भी तुम मुझे सिखा रहे हो, दिस इज अगेंस्ट माई प्रिंसिपल्स, बट स्टिल मैं तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे तरीके से फॉलो करूंगा, जो भी तुम करते हो मैं भी वही करूंगा. ऑलराइट. इतने में ही एक सर्वेंट एंटर करता है, फिर सर्वेंट एंटोनियो के बारे में सलारियन और सलानियो को बताता है कि एंटोनियो तुम दोनों को ढूंढ रहा था, तो फिर सलारियनो कहता है कि हम भी उसे हर जगह ढूंढ रहते हैं. इतने में ही ट्यूबल आ जाता है, तो फिर सलानियो कमेंट करते हुए बोलता है कि देखो ट्यूबल आ गया, ये जो ट्यूबल है ये और शाइलो ये दोनों बिल्कुल जीव है, आई मीन दोनों बिल्कुल डेविल्स है राइट, और इन दोनों के अलावा दुनिया में अगर इन दोनों के अलावा एक और डेविल को ढूंढा जाए तो वो डेविल खुद ही होगा, वरना इन दोनों के कैरेक्टर या फिर इन दोनों के क्रूरिटी को कोई और मैच नहीं कर सकता. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, शाइलो क्या बोलता है कि ट्यूबल से वो पूछता है कि क्या न्यूज है ट्यूबल जेनोवा में, तुम्हें कुछ पता चला क्या, मेरी डॉटर तुम्हें मिली? तो ट्यूबल बोलता है कि जहां पे मुझे उसके बारे में पता चला था मैं वहां पे गया, बट आई कुड नॉट फाइंड हर. ऑलराइट. फिर शाइलो क्या बोलता है, इसका मतलब कि मेरे डायमंड चलेगा, मेरा डायमंड बर्बाद हो गया, मेरा 2000 डुकेट्स बर्बाद हो गया राइट. आई मीन वो जो डायमंड था वो 2000 डुकेट्स का था, उसका 2000 डुकेट्स कॉस्ट था. वो क्या बोलता है कि आज तक मेरे ट्राइब पर या फिर मेरे रिलीजन पर, मेरे नेशन पे कभी भी कर्स नहीं आया, बट ऑल बिकॉज ऑफ जेसिका हम पर कर्स आएगा. इसके बाद वो क्या बोलता है, इसके बाद वो बोलता है कि आई फेल्ट इट टिल नाउ 2000 डुकेट्स इन दैट. वो क्या बोलता है कि 2000 डुकेट्स वो लेकर भाग गई और उसमें कुछ प्रेशियस प्रेशियस ज्वेल्स भी थे वो भी लेकर वो भाग गई. आई वुड माई डॉटर वर डेड एट माई फूट, यानी कि मैं चाहता हूँ कि मेरी डॉटर, मेरी जो बेटी है वो मेरे पैर के सामने मरी पड़ी रहे, मेरे पैरों के सामने मरी पड़ी रहे और उसके कानों में ज्वेलरीज हो. ओके. जो भी ज्वेलरीज वो लेकर भागी है सारे ज्वेलरीज उसके कान में या फिर उसके पास हो. और ये भी कहता है कि मैं ये भी चाहता हूँ कि उसका कॉफिन जहां पे लाश को रखा जाता है, डेड बॉडी को जहां पे रखा जाता है, उसके अंदर सारे डुकेट्स हो. इज दैट फाइन. इसके बाद वो बोलता है कि कुछ न्यूज पता चला, तो फिर वो क्या बोलता है, एंड आई नो नाउ व्हाट स्पेंड इन द सर्च व्हाई दाउ लॉस अपॉन लॉस. वो क्या बोल रहे कि मुझे लॉस पे लॉस झेलना पड़ रहा है, पहली बार तो मेरी डॉटर इतना सारा ज्वेलरी इतना सारा पैसा लेकर भाग गई, प्लस उसे ढूंढने के लिए भी मुझे इतने इतने पैसे लगाने पड़े. इज दैट फाइन. ओके. वो क्या बोलता है, ना मुझे सेटिस्फैक्शन मिला, ना मुझे रिवेंज मिला, यहाँ तक कि मेरे मेरे नसीब में तो बस बैड ही लग भरा हुआ है. मैं सांस भी ले रहा हूँ ना तो यहाँ पे बस मेरी सांस सुनाई दे रही है मेरी तरह, और यहाँ पे कोई ब्रीद नहीं कर रहा. अब साई करना मीन्स कुछ ऐसा बुरा हो जाना, सो डीप ब्रेथ, यानी कि मुझे बस मेरी ही ब्रीदिंग की आवाज आ रही है, मेरी तरह और कोई इनफॉर्च्यून नहीं है, बस मेरे ही आंसू यहाँ पे बह रहे हैं और किसी के भी नहीं. इतने में ही ट्यूबल बोलता है कि एक और इंसान है जिसका भी लक उसके साथ नहीं है, एंड दैट वन इज एंटोनियो. एंटोनियो के बारे में भी मुझे पता चला. तो शाइलो पूछता है कि क्या क्या पता चला तुम्हें, तो ट्यूबल बोलता है कि उसने अपने शिप को, उसका शिप रेक हो गया राइट, ट्रिपोली से जब उसका शिप आ रहा था तो उसका शिप रेक हो गया. तो इससे शाइलो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो पूछता है कि क्या ये सच है, तो ट्यूबल बोलता है कि हाँ मैंने कुछ सेलर से बात की थी जो कि वो शिप रेक से बच गए थे, जिनके शिप्स को कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने मुझे तो ऐसे ही बताया. फिर शाइलो बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इस चीज के लिए. फिर वो बोलते हैं कि जेनोवा की न्यूज बताओ, तो फिर ट्यूबल बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी ने एक ही रात में 4 स्कोर डुकेट्स बर्बाद कर दिया. अब मैं आपको बता दूं कि 1 स्कोर में कितने होते हैं, 1 स्कोर इज इक्वल्स टू 20. ऑलराइट. 1 स्कोर इज इक्वल्स टू 20. सो डेफिनेटली 4 स्कोर में कितना होगा, 80 राइट. सो उसने 80 डुकेट्स एक रात में बर्बाद कर दिया. फिर वो क्या बोलता है कि तुम मेरे ऊपर एक खंजर रखो, और फिर वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि मैं वापस अपने डुकेट्स कभी भी नहीं देख पाऊंगा. उसने एक रात में ही इतना कुछ बर्बाद कर दिया. फिर ट्यूबल क्या बोलता है, ट्यूबल बोलता है कि एंटोनियो के जो क्रेडिटर्स थे, उसने जिन्हें इंटरेस्ट पे लोन दिया था या फिर जिससे उसने
जिन्होंने एंटोनियो को लोन दिया था, राइट, इन्वेस्टर्स, वो एंटोनियो से बहुत ज्यादा गुस्सा गुस्सा हो गए हैं एंड वो एंटोनियो को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, राइट. ऐसा यूजुअली होता है कि जब भी कोई इंसान का करियर डूब जाता है या उसका बिजनेस डूब जाता है तो लोग उसके जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो सामने उसे घर के पास खड़ा हो जाता है, अगर चिल्लाते हैं मेरा पैसा लौटाओ, राइट. एग्जैक्टली वही सीन था. तो शायलॉक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, वो बोलता है कि आई विल प्ले हिम, आई विल टॉर्चर हिम, आई एम ग्लैड ऑफ इट. वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि मैं उससे बदला लूंगा, मैं उसे टॉर्चर करूंगा. फिर ट्यूबल क्या बोलता है कि तुम्हारी बेटी ने एक रिंग, जो टॉर्कोइज का रिंग था, राइट, ये आगे शायलॉक बताता है कि ये रिंग टॉर्कोइज का था. तो बोलता है कि तुम्हारी बेटी ने तुम्हारा एक रिंग मंकी के एक्सचेंज में बेच दिया, यानी कि मंकी खरीदने के लिए उसने रिंग दे दिया. तो शायलॉक बोलता है कि तुम मुझे ये न्यूज देकर बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हो, बहुत ज्यादा सैड कर रहे हो, बिकॉज ये रिंग किसका था, टॉर्कोइज नाम के एक ज्वेल का था, आई मीन ज्वेलरी का था, ओके, इट्स अ प्रेशियस स्टोन. फिर वो क्या बोलता है कि इस ये जो रिंग था ये बहुत ज्यादा स्पेशल था, बिकॉज इससे मेरी वाइफ ने लिया ने मुझे दिया था जब मैं बैचलर था, और जेसिका ने बस मंकीज के लिए ये रिंग बर्बाद कर दिया. ओके, सो दिस रिंग, आई मीन ये जो रिंग था, इसमें शाइलॉक के सेंटिमेंट जुड़े हुए थे. इसके बाद ट्यूबल क्या बोलता है कि एंटोनियो फाइनली एंटोनियो के साथ बहुत गलत हुआ, आई मीन एंटोनियो पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो गया है. उसके बाद शाइलॉक बोलता है कि हाँ ये सच है. फिर वो क्या कहता है, वो ट्यूबल को कहता है कि जाओ एक ऑफिसर को अपॉइंट करो, अब मैं एंटोनियो से पेनल्टी लूंगा, उसका पाउंड ऑफ फ्लैश लूंगा. सो विद दिस ये पूरा सीन खत्म हो जाता है. सो आई होप गाइज आपको ये सीन अच्छे से समझ में आया होगा. नाउ गाइज विद दिस वी रीच टू द एंड ऑफ द वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें. टिल देन थैंक यू गाइज.